हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलो एक पोस्टर रंगोली बनाना सीखेंगे, सीनरी पोस्टर रंगोली। तो मैंने एक बोर्ड लिया, ये बोर्ड के साइज है 60 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है जो जिसके ऊपर खड्डा लगा हुआ है, चौक से हमने पहले ड्रॉ कर लिए। उसके बाद स्काई बनाने के लिए हमने रंगोली फिलर यूज़ किए और जो छन्नी है चाय छन्नी, वो चाय छन्नी यूज़ किए। तो जैसे स्काई में हमें शेड देना है, तो शेड देने के लिए जैसे हमने स्काई कलर यूज़ किए, तो स्काई कलर के साथ थोड़ा सा जो डार्क ब्लू कलर है वो डार्क ब्लू कलर यूज़ करना है। और जैसे आसमान में बादल दिखाना है, तो डायरेक्ट वाइट रंगोली यूज़ ना करते हुए वाइट में हल्का सा जो स्काई कलर हमने यूज़ किए वो स्काई कलर यूज़ करना है। इस प्रकार के थोड़ा सा जो बादल के शेड है वो बादल के शेड देना है। इसके बाद आएगा जो पहाड़ है, तो पहाड़ में सरासर ब्लैक कलर दिखाते हैं। हम बचपन से वही सीखते आ रहे हैं कि जो पहाड़ है, हिल है, उसमें ब्लैक रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमने वायलेट कलर यूज़ किए, देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ज़्यादा जो हमारा जो पोस्टर बनेगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये पहाड़ में शेड करने के लिए जो वायलेट कलर था उसमें हमने थोड़ा सा लाइट करने के लिए वाइट रंगोली मिलाया, और नीचे थोड़ा डार्क करने के लिए थोड़ा सा ब्लैक रंगोली यूज़ किए। तो इस प्रकार एक दो पहाड़ की चोटी दिखाना है। थोड़ा ब्लैक कलर से थोड़ा आउटलाइन भी कर देंगे, ऊपर थोड़ा सा दो तीन पक्षी दिखाएंगे ब्लैक कलर से। और जब इस प्रकार का हम सीनरी रंगोली बनाते या पोस्टर रंगोली बनाते, तब बॉर्डर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बॉर्डर को फिनिशिंग टच देने के लिए हमने स्केल यूज़ किए। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम बॉर्डर बनाएंगे तब हाथ से फिल नहीं करेंगे उसको, एक तो रंगोली फिलर से फिल करेंगे या छन्नी से फिल करेंगे। इसके बाद जो मकान है, मकान के ऊपर एक झाड़ दिखाना है। झाड़ दिखाने के लिए जिसके जो स्टेम है, स्टेम को ब्राउन कलर, और जिसकी पत्ती ग्रीन कलर, और नीचे थोड़ा शेड के लिए डार्क ग्रीन, या तो डार्क ग्रीन नहीं है तो जो लाइट ग्रीन में हल्का सा ब्लैक मिला है तो भी वो डार्क हो जाएगा। घर के छत में थोड़ा सा ब्राइट दिखाना था, इसलिए हमने नीचे से आधा ऑरेंज कलर भरे और ऊपर आधा येल्लो कलर, और दोनों को ब्लेंड करने के लिए हमने दोनों येल्लो और ऑरेंज को दोनों को सेम प्रोपोर्शन में लेके उनको मिक्स किए। जैसे घर में वाइट रंगोली से फिल कर दिए, और ये थोड़ा सा जो लाइनिंग टेक्चर दिए हमने, तो वाइट रंगोली में हल्का सा एकदम ब्लैक मिला है तो थोड़ा सा वो ग्रे कलर हो गया। और जो छत में हमने ऑरेंज कलर यूज़ किए थे उसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा रेड यूज़ किए। तो इस प्रकार के एक सुंदर सा शेड के छत घर हो गए। अभी बचा है नीचे जो ज़मीन के भाग है, तो ज़मीन के भाग को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर छन्नी की सहायता से ग्रीन कलर फिल किए, और उसको शेड करने के लिए थोड़ा डार्क ग्रीन, और बीच में लाइट ग्रीन के साथ थोड़ा सा येलो कलर मिला के बीच में भर दिए, तो थोड़ा सा शेड दिखे, दो तीन शेड। और जो पानी के भाग है थोड़ा सूखा दिखाना है, और जो पोस्टर को कलरफुल करना है इसलिए हमने यहाँ पर येलो, ऑरेंज और रेड से फिल किए। इससे क्या होगा, जो रंगोली का जो लुक है वो इस कलर से थोड़ा ब्राइट होता है, ब्राइट होगा और जो देखने में वो खूबसूरत बनेगा। ठीक है, एक एक साइड यदि वर्क हो जाता है तो बॉर्डर क्लियर कर सकते हैं, या लास्ट में जाके भी बॉर्डर बना सकते हैं। अभी तो कोई कंपटीशन में भाग लेते हो, कंपटीशन में छोटा मोटा कंपटीशन में ये इस प्रकार के सीनरी रंगोली बना सकते हैं। ईजी होता है, जल्दी होता है और दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे पानी के भाग में भी छन्नी से हम पहले ब्लू कलर फिल करेंगे, और ब्लू कलर के साथ जो डार्क ब्लू कलर है वो कलर भर देंगे ताकि थोड़ा सा शेड दिखे। पोस्टर रंगोली जो शेड होता है वो पोस्टर रंगोली की जान होता है, हमें शेड देना ही देना है। और ये जो मैं रंगोली यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे सादा रंगोली जो मार्केट में मिलता है, वो सादा रंगोली से भी हम अच्छे से पोस्टर रंगोली बना सकते हैं, बशर्त कि हमें थोड़ा छन्नी जो कुछ टूल है वो हमें यूज़ करना है। जैसे छन्नी हुआ, रंगोली फिलर हुआ,
जिससे पानी के उस साइड में, पानी के उस साइड में थोड़ा सा बुशेस दिखाना है, यानी झाड़ी दिखाना है, वो भी दिखाया आप पर। इसके बाद एक नारियल के पेड़ दिखाना है यहाँ पर, तो ब्लैक कलर से उसका जो स्टेम है वो बनाना है, ग्रीन कलर से उसको पत्ती, और थोड़ा शेड के लिए ब्लैक कलर यूज़ किए। तो ये जो सीनरी में कुछ नारियल के झाड़ रहता है, ये भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। चलो हम तीनों तरफ से बॉर्डर बन गए। अब जो पानी के अंदर एक नाव दिखाएंगे, सिंपल सा, नीचे वो ऑरेंज कलर, ऊपर येलो कलर, ब्लैक से आउटलाइन कर दिए। एक खूंटी में किराने भी एक लकड़ी है जिससे वो बंधा हुआ है, ये दिखाए, और लास्ट में जो नीचे का बॉर्डर है वो बॉर्डर को फिल कर देंगे। अब जैसे पानी है, पानी में एक बतख दिखा सकते हैं, कुछ फूल दिखा सकते हैं, कमल के फूल, कुछ फिश भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक साइड में कमल के फूल दिखाएंगे दो। आप चाहे तो जो खाली जगह पर बतख दिखा सकते हैं। ये बन गया हमारा एक सुंदर सा पोस्टर रंगोली। तो दिवाली में बहुत सारे लोग बनाते हैं पोस्टर रंगोली, तो इसलिए हमने आने वाले दिवाली के लिए हम तैयारी करेंगे पोस्टर रंगोली की। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।